Hello students, good morning to all of you. So today I am going to explain a topic that is about that how we determine the magnitude of two vectors. हम दो vectors का magnitude, उनके resultant का magnitude कैसे find out कर सकते हैं. So हम जानते हैं कि vectors वो quantities हैं जिनका कुछ magnitude होता है, जिनका कुछ direction होता है और वो vector algebra को भी follow करते हैं. जैसे for example हमें दो vectors को अगर add करना है तो उन्हें add करने के लिए we use the triangle law. और लास्ट वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि ट्राइंगल लॉ को हम कैसे यूज करते हैं रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए. सो ये कुछ इस तरह से था, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है एंड द थर्ड साइड दैट क्लोज द ट्राइंगल गिव्स अस द रिजल्टेंट. ओके, एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट. ये किसका रिजल्टेंट है? ये है ए प्लस बी, है ए प्लस बी. सो दिस इज द रिजल्टेंट आफ्टर एडिंग ए वेक्टर विद बी वेक्टर एंड द डायरेक्शन इन विच दैट रिजल्टेंट इज अप्रोचिंग इज द डायरेक्शन ऑफ अवर ए प्लस बी. ओके, तो ये हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें ट्राइंगल लॉ से मिल जाती है. लेकिन इस रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड है उसके बारे में भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ. सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम अभी, वी हैव टू डू सम मैथमेटिक्स देयर एंड उससे बहुत आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा. सो आई कंसिडर दैट आई हैव अ वैक्टर ए वैक्टर एंड आई हैव अ वैक्टर बी. ओके, दो वेक्टर्स ए और बी यहाँ पर ले लेता हूँ. थोड़ा फिगर को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ पाएं. दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर, ओके, एंड दिस इज माई रिजल्टेंट वेक्टर. और मुझे इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को ही फाइंड आउट करना है, सॉरी मैग्नीट्यूड को ही फाइंड आउट करना है. डायरेक्शन हमें पता है, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जा रहा है वही इसकी डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, बट इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट अस कंसीडर दैट रिजल्टेंट और ए के बीच में अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है. मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इस ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस कर लेता हूँ. सो लाइक दिस इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिसे मैं थीटा ले रहा हूँ. मैंने ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस किया और मुझे ये बी यहाँ मिला. सो दिस इज द थीटा एंगल बिटवीन द बी वेक्टर एंड द ए वेक्टर. ओके, सो मैं बी के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ और ये जो पैरेलल में मैंने बी के ड्रॉ किया है ये भी बी वेक्टर ही होगा. And as we know that angle between the A and B is theta, so ये पूरा angle भी theta हो जाएगा. हम एक parallelogram type यहाँ पर form कर लेंगे. Okay, हमें निकालना है R का magnitude. हम यहाँ पर कुछ trigonometry का use करेंगे और बहुत आसानी से इसे निकाल देंगे. मैं कुछ points के नाम दे रहा हूँ, A, B, C, D and this is E. Okay, मुझे resultant निकालना है. मैं यहाँ पर Pythagoras theorem का use करूँगा. सो दैट इज रिजल्टेंट स्क्वायर, मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ये पूरी ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ये वाली. सो ए सी स्क्वायर, बट ए सी फॉर्म हुआ है ए बी प्लस बी सी से, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज सी डी स्क्वायर. ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है. ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज ए बी प्लस बी सी एंड परपेंडिकुलर इज सी डी स्क्वायर. So I put the values of these AD, AB, BC and CD in this and I get the resultant. So AD is our resultant. So resultant ka jayega left hand side mein R square. Okay. And uske baad AB. AB hai A vector. So main ise A likh raha hu. Plus what is that BC? BC main is triangle se form nikalne ki koshish karunga. BC is the base. This is the base there. And we know that base kya hota hai. Base hota hai hamare paas cos theta is base by h. So base is h into cos theta. h is b, hypotenuse is b in this case. So base ki value aa jayegi b cos theta. To bc ki value main likhunga b cos theta aur iske baad square plus. Now I need cd. What is cd? Cd is perpendicular in this diagram. So as we know pen sin theta kiske barabar hota hai? Sin theta is perpendicular upon h. So perpendicular is h sin theta. अगेन एच इज बी, सो इस सी डी की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा. सो आई हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हियर. अब मैं इसे सॉल्व करूंगा एंड आई विल गिव द आंसर. सो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसे होल स्क्वेयर करेंगे ए स्क्वेयर प्लस एंड इट इज बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस, अब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे बनेगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. अब हम यहाँ पर बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा को एक साथ लिखेंगे
ये एक्सप्रेशन बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाएगा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर और हमारा एक्सप्रेशन कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। आई एम कमिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इट इज लाइक आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। सो माई आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। सो दिस आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वैक्टर, ये इस रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड है। इन दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द डायरेक्शन, इट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस गिव्स यू द डायरेक्शन। और डायरेक्शन के बारे में भी आप पता कर सकते हैं बाय मेजरिंग दैट एंगल अल्फा। अल्फा का अगर आपको पता चल जाता है तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट वैक्टर ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, ए के साथ किस एंगल पे बना हुआ है। सो हम यहाँ पर इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल का यूज करेंगे एंड we find the tan alpha here. So let us consider we find the tan alpha. So what is the tan alpha? Tan is perpendicular upon base. So this is our perpendicular, matlab CD is perpendicular and this base is AB plus BC. Okay, so tan alpha hamare paas aa jata hai. CD ki value hamare paas thi B sin theta aur AB ki value hai A aur BC ki value tha B cos theta. So this is tan alpha and using that you also get the alpha. So alpha आ जाएगा आपके पास tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta. So this alpha gives you the direction of your resultant. This gives the magnitude of your resultant. Okay? तो ट्राइंगल लॉ जब किया था तो वी हैव द टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ अवर रिजल्टेंट। सो नाउ कितना है वो एंगल, वो आज हमने निकाल दिया, इतना एंगल बन रहा है हमारे रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया है, मैग्नीट्यूड आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये आया है जब हमने ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड किया है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक वन वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप उसको सोच के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स एंड वन वेक्टर इज गोइंग दिस वे एंड वन वेक्टर इज गोइंग दिस वे, दीज आर द ए वेक्टर एंड ए वेक्टर और लेट अस कंसीडर दिस इज बी वेक्टर एंड दे आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 degree विद ईच अदर। सो वी हैव टू गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट के एक्सप्रेशन में जाएंगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 बिकॉज एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स इज 90 degree। सो कॉस 90 इज बेसिकली 0, सो यू आर लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो योर रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू लुक अबाउट द एंगल, वट इज द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स एंड देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैक्टर्स। मीन्स ये आप रिजल्टेंट इफेक्ट निकाल रहे हैं, दोनों वैक्टर्स का क्या रिजल्टेंट इफेक्ट है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, वो आप ऐसे निकालेंगे और टेन अल्फा करके आप निकालेंगे उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए वैक्टर के साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर और हाउ वी डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैक्टर। थैंक यू वेरी मच।